गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाया हूँ, उसके बारे में बताऊँगा कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए मैंने कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ किया हूँ। फर्स्ट में मैं 555 IC का यूज़ किया हूँ। फिर रजिस्टर है 220 ओम, 10 किलो ओम और 100 किलो ओम का। कैपेसिटर है मेरा 10 माइक्रोफराड 25 वोल्ट और नॉन पोलराइज कैपेसिटर है वो मेरा है 103 पिको फराड का। LED है वो मैंने मल्टी कलर यूज़ किया है। स्विच है, इसमें स्विच का मैंने यूज़ नहीं किया है। फिर बैटरी का 5 वोल्ट बैटरी का मैंने यूज़ किया है। एक ब्रेडबोर्ड और सिंगल कोर वायर रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ किया हूँ। उसके बाद आइए देखते हैं सर्किट डायग्राम। इसका ये रहा मेरा सर्किट डायग्राम है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। तो देखिए ये मेरा 555 IC का पिन नंबर 1 है, इसको डायरेक्ट ग्राउंडिंग कर देना है। फिर पिन नंबर 2 जो है उसको स्विच में कनेक्ट कर देना है और इसमें एक 10 किलो ओम का रेजिस्टर लगा करके 5 वोल्ट प्लस सप्लाई में कनेक्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। उसके बाद है पिन नंबर मेरा 3 पिन नंबर को लोड रेजिस्टेंस लगाकर एक LED लगाया हूँ और इसके जो LED का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो रजिस्टर के साथ रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंडिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मेरा पिन नंबर 7 और 6 है उसको ग्राउंडिंग कर देना है साथ में और फिर इसको डायरेक्ट यहाँ पे 5 वोल्ट का पॉजिटिव सप्लाई देना है रजिस्टर के थ्रू। फिर जो पिन नंबर 8 है मेरा उसमें प्लस 5 वोल्ट यहाँ से देंगे और रजिस्टर से यहाँ पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7 में प्लस 5 वोल्ट जाएगा। उसके बाद फिर कैपेसिटर को ऐड करना है। यहाँ पे कैपेसिटर को ऐड किए तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का वो डायरेक्ट प्लस वोल्ट के साथ रहेगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो रहेगा मेरा ग्राउंडिंग किया हुआ, यहाँ पे जैसे मेरा किया हुआ है। फिर पिन नंबर 5 में मेरा रहेगा नॉन पोलराइज कैपेसिटर, इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है इसलिए इसे डायरेक्ट गीजर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आइए देखते हैं इसको हम लोग ब्रेडबोर्ड पे कैसे बनाते हैं। ये मेरा टोटली कंप्लीट सर्किट है। देखिए यहाँ पे जितना भी रेड वायर है उसको मैंने पॉजिटिव सप्लाई के लिए यूज़ किया है और जो मेरा ब्लैक वायर है इसको ग्राउंडिंग किया हूँ। उसके बाद जो ये मेरा ग्रीन कलर का जो वायर है उसको स्विच की तरह यूज़ किया हूँ। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए ये मेरा LED ग्लो करने लगा है। ये है मेरा कैपेसिटर, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। ये है मेरा IC और ये जो है वो 10 किलो ओम का रेजिस्टर है और ये है 100 किलो ओम का रेजिस्टर और ये जो मेरा है वो 220 ओम का है। फिर LED ग्लो मेरा कर रहा है। देखिए यहाँ पे LED मेरा ग्लो कितना अच्छे तरीके से कर रहा है। सो थैंक यू।